हमें फाइंड आउट करनी है इनकी प्रोबेबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको जो इवेंट्स हमें गिवन है उनको ए बी सी डी ई मान लेंगे, ए बी सी डी एंड ई। इवेंट ए हम मान लेते हैं सर्जरीज हमें किस टाइप की रेटेड हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, लेट ए रिप्रेजेंट्स द इवेंट ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी, बी रिप्रेजेंट्स द इवेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्जरी, सी रिप्रेजेंट्स द इवेंट ऑफ रूटीन सर्जरी, डी रिप्रेजेंट्स द इवेंट ऑफ सिंपल सर्जरी एंड ई रिप्रेजेंट्स वेरी सिंपल सर्जरी। फाइव टाइप्स हो गई इनकी। अब हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी पांचों की हमें गिवन है, सी डी एंड ई। ए की प्रोबेबिलिटी है 0.15, 0.20 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 0.31 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, देन 0.26 ऑफ डी एंड 0.08 ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी, कॉम्प्लेक्स सर्जरी, रूटीन सर्जरी, सिंपल एंड वेरी सिंपल, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर सर्जरी विल बी रेटेड एज अ कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी। तो सर्जरी इज कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बी से डिनोट कर रहे हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स ए से डिनोट कर रहे हैं। दीज इवेंट्स विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि अगर एक सर्जरी कॉम्प्लेक्स है तो वो सेम टाइम पे वेरी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो कॉम्प्लेक्स को वी हैव डिनोटेड विद बी, वेरी कॉम्प्लेक्स विद ए, और है दोनों में, तो इट मीन्स हमने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। बट क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनका इंटरसेक्शन जो है दैट इज जीरो। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेनेवर द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स जब हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन होती हैं देन देयर यूनियन इज फाइंड आउट बाय सिंपली एडिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स। सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 0.15, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 0.20। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी विल बी इक्वल टू 0.35। सेकेंड पार्ट ये ध्यान से करना। सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज नीदर कॉम्प्लेक्स, नीदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल, ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो ना बहुत सिंपल हो। तो प्रोबेबिलिटी दिस इज नीदर वर्ड लग गया, आगे ध्यान देना है। नीदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल, अब ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो इट मींस कि वेरी सिंपल और वेरी कॉम्प्लेक्स ए और ई को छोड़ के दैट कैन बी इन कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी डी। तो इतने सारे केसेस बनाने की बजाय हम सिंपली ये ले लेंगे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी सिंपल। तो दिस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स यानी कि ए और बी। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नहीं है, ई लोगे, वेरी सिंपल है क्योंकि दिस विल बी ई, ए प्लस ई। अब इनका वैल्यूज पुट करो एंड सिंप्लीफाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 0.15, ई हमें गिवन है 0.08, सो दिस विल बी 1 माइनस 0.15 प्लस 0.18।
So this will be 1 minus 0.23. So 0.77 will be your answer. So the probability that the surgery is neither very complex nor very simple is 0.77. Now the third part. Third part again, probability that the surgery is a routine surgery or a complex surgery. Third part. अब सिर्फ मैं ये स्टेटमेंट लिख रही हूँ. कैलकुलेट आप खुद करोगे एंड यू विल टेल मी द आंसर. रूटीन और वेरी सिंपल. और फोर्थ पार्ट आपको कैलकुलेट करना है. स्टार्ट डूइंग दिस. रूटीन और कॉम्प्लेक्स. मैंने वैसे शायद सिंपल बोला था, मैंने वेरी सिंपल लिख दिया, तो वेरी सिंपल के हिसाब से ही आप कर सकते. रूटीन और वेरी सिंपल यानी कि सी और ई आप लेके चलेंगे. तो 0.31 प्लस 0.08 किन्हीं दो कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में यहाँ पे आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट गुरकीरत. थर्ड पार्ट का आंसर रूटीन और वेरी सिंपल. मैम 0.31 प्लस 0.26 लिखा है आपने डी वाली का. जीरो. हाँ डी 0.26 है बेटे. रूटीन और वेरी सिंपल ई लेके चलना है. दिस वन इज सिंपल, वेरी सिंपल गिवन है उसमें. अगर हाँ ठीक है, जो मैंने पहले बोला था उसके अकॉर्डिंगली यू विल टेक दैट एज 0.26. तो उस केस में अगर रूटीन और सिंपल लेके चलते हो तो दैट विल बी इक्वल टू 0.31 प्लस 0.26 दैट इज 0.57. चलो मेघा, रूटीन और वेरी सिंपल. मैम 0.39. यस, इट्स 0.31 प्लस 0.38 दैट इज 0.39. समृद्धि, रूटीन और कॉम्प्लेक्स. 0.51. यस, इट्स 0.51. 0.31 प्लस 0.20 That is 0.51. So this method, मुझे पता लग गया, that one is clear to you. अब question next कर रहे हैं हम. अब जैसा हमने कल किया था उस type का ये question है, क्योंकि ये question बहुत important है. Type यानी कि बहुत important है. जिस तरीके से हमने कल ABCD वाला किया हुआ था कि A की probability is twice of probability of B, उस तरीके से ही क्वेश्चन है. तो जब हमें इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें उनकी प्रोबेबिलिटीज आपस में रिलेट कर दी गई है, तो वहां पे आपने ओवरऑल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू वन वाला कंसेप्ट लगाना होगा. अब यहाँ मुझे गिवन है वन ऑफ द फोर पर्सन, जॉन, रीटा, असलम एंड गुरप्रीत. जॉन, रीटा, असलम एंड गुरप्रीत, ये चार पर्सन हमें गिवन है. इनमें से एक पर्सन जो है दैट विल बी प्रमोटेड नेक्स्ट मंथ. चार में से किसी एक को प्रमोशन मिलनी है. कॉन्सिक्वेंटली द सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ फोर एलिमेंट्री आउटकम्स. जो सैंपल स्पेस है वो फोर आउटकम्स से ही बना हुआ है. ये हमें गिवन है दैट जॉन इज प्रमोटेड, रीटा इज प्रमोटेड, असलम इज प्रमोटेड और गुरप्रीत इज प्रमोटेड. सो दिस इज अ सैंपल स्पेस गिवन टू अस. अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि यू आर टोल्ड दैट द चांसेस ऑफ, अब आगे वो हमें बता रहे हैं कि चांसेस ऑफ जॉन्स प्रमोशन is the same as that of Gurpreet. तो इनकी जो promotions के chances हैं वो हम John की promotion के chance J से ले लेते हैं. Rita R,
असलम ए एंड गुरप्रीत का हम जी ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें क्या कह रहा है, चांसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ जॉन इज सेम एज दैट ऑफ गुरप्रीत, यानी कि अगर इनके चांसेस सेम है तो इनकी प्रोबेबिलिटीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। फिर वो क्या कह रहे हैं, चांसेस ऑफ रीटास चांसेस ऑफ प्रमोशन आर ट्वाइस एज लाइकली एज जॉन्स, तो रीटा के जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो जॉन की प्रमोशन के चांसेस का डबल है। फिर असलम्स चांसेस आर फोर टाइम्स दैट ऑफ जॉन्स, असलम की जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो फोर टाइम्स हैं प्रमोशन ऑफ जॉन के। अब अगर मैं देखूं तो गुरप्रीत, रीटा और असलम, इन तीनों का जो है वो हमें उन्होंने गिवन है कि जॉन के अकॉर्डिंगली उसके प्रमोशन के चांसेस गिवन है। इसको हम रीराइट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन ऑफ गुरप्रीत इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन ऑफ जॉन, दिस इज इन टर्म्स ऑफ पी ऑफ जे, पी ऑफ जे, पी ऑफ जे, चारों की प्रोबेबिलिटीज का सम विल बी इक्वल टू वन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रीटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ असलम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत विल बी इक्वल टू वन। नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर, सॉल्व करो इसको। हर एक को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन से रिप्लेस कर दोगे, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन आ जाएगी, तो इनमें पुट करके बाकी तीन की जो है प्रोबेबिलिटीज हम निकाल लेंगे। बिल्कुल सिमिलर था कल वाले क्वेश्चन के, सिर्फ जो आपका ये रिलेशन गिवन था दीज वर डिफरेंट। कल हमारा जो है उसकी वैल्यू 9/9 आ रही थी, अपॉन में हमारे पास 9 था, अब यहाँ चेंज हो जाएगा आपका। बी क्विक, इसको करो एंड टेल मी द आंसर क्विकली। रीटा असलम और, हाँ जी, इट्स 1/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन प्लस आर जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन, ये वैल्यूज पुट कर दोगे, असलम इज 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत एंड जॉन इज इक्वल, सो आप इनको ऐड करोगे तो दिस इज 8 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन आ गई हमारे पास 1/8। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत आ जाएगी 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ रीटा गेटिंग प्रमोशन इज ट्वाइस ऑफ 1/8 दैट इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ असलम गेटिंग द प्रमोशन इज 4 टाइम्स 1/8 दैट इज 1/2, यानी कि सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं प्रमोशन के वो असलम के हैं। मैम इनका सम 1 क्यों लिया वैसे? बेटे ओवरऑल क्योंकि ये सारी जो इवेंट्स हैं आपकी दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आल्सो, तो इसलिए इनका सम टोटल जो है दैट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि जब एक को हम बना रहे हैं एट अ टाइम एट द सेम टाइम दूसरा जो है वो नहीं बन सकता, और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज का आप कह सकते हो कि यूनियन है, मतलब जे आर ए और जी वो सैम्पल स्पेस के इक्वल है, एट अ टाइम एक सिलेक्ट हो रहा है, इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, क्योंकि एग्जॉस्टिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इनका जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी कि एक का जो आउटकम है वो दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो इनका जो यूनियन आएगा चारों इवेंट्स का दैट विल बी इक्वल टू द सैम्पल स्पेस। और जब इस तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और यूनियन इक्वल टू सैम्पल स्पेस आ रहा होता है तो जो उनका सम टोटल बनता है दैट इज इक्वल टू 1। इफ यू रिमेम्बर तो 16.2 में हमने किया था ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, तो उसमें हम चेक कर रहे थे कि जितने भी हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है उनका सम इक्वल टू 1 है, तो सेम कंसेप्ट वी हैव यूज्ड। सो इज इट डन, चलें अगले पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 8 रेड
एंड फाइव वाइट बॉल्स. एक बैग है हमारे पास जिसमें एट रेड बॉल्स हैं, फाइव जो हैं वो वाइट बॉल्स हैं, और थ्री बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम. थ्री बॉल्स हम रैंडमली निकाल रहे हैं. तो हमें उस बैग में गिवन है एट रेड बॉल्स हैं और फाइव जो है वो व्हाइट बॉल्स हैं. अब थ्री बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री बॉल्स आर व्हाइट. सारी की सारी बॉल्स जो है वो व्हाइट ही लेनी है. तो टोटल हो गया 13. इसमें से थ्री बॉल्स आप निकाल रहे हो तो दैट विल बी 13C3. टोटल जो आउटकम्स हमारे पास बनेगी दैट विल बी, क्योंकि सिलेक्शन हो रही है बॉल्स की, तो दैट विल बी 13C3. फेवरेबल कब होंगी? जब तीनों की तीनों वाइट होंगी. वाइट टोटल कितनी है? 5. 5 में से एट अ टाइम हम 3 ले रहे हैं, तो दैट विल बी गिवन बाय 5C3. तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट विल बी फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट इज 5C3 अपॉन 13C3. सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट योर आंसर. सेकेंड पार्ट में इसी तरीके से ऑल द थ्री बॉल्स आर रेड. ये फर्स्ट पार्ट था. अब सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? ऑल थ्री आर रेड. ऑल द थ्री आर रेड मीन्स रेड बॉल्स अब एट हैं, तो 8C3 अपॉन 13C3. और थर्ड पार्ट अब ध्यान से देखना. वन बॉल इज रेड एंड टू बॉल्स आर वाइट. वन रेड है, टू वाइट है, दोनों इकट्ठे केसेस लोगे तब वो एक केस आपका कंप्लीट हो रहा है. तो इट मींस मल्टीप्लाई करोगे इनको. सो वाइट दो है, रेड वन है. आउट ऑफ एट वी आर टू सिलेक्ट वन. So this will be 8C1, क्योंकि ये सिर्फ वन बॉल सिलेक्ट हुई है, टोटल हमने थ्री करनी है. तो टू वाइट बॉल्स वाला जो केस है वो इसके साथ आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे. सो दिस विल बी योर आंसर 8C1.5C2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. नेक्स्ट वाला जो है मतलब मुश्किल भी नहीं हम कहेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप उसको आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है वन अर्न कंटेन्स टू ब्लैक बॉल्स लेबल्ड B1 B2 एंड वन व्हाइट बॉल. अब हमें दो अर्न्स गिवन है, बॉक्सेस आल्सो यू कैन से. तो अर्न वन एंड अर्न टू. अर्न वन में मुझे गिवन है टू ब्लैक बॉल्स लेबल्ड B1 एंड B2 और एक व्हाइट बॉल गिवन है, W से ले लिया हमने. एंड इन अर्न टू यू आर हैविंग वन ब्लैक बॉल एंड टू व्हाइट बॉल्स लेबल्ड W1 एंड W2. वन ब्लैक है एंड टू व्हाइट लेबल्ड W1 एंड W2. Suppose the following experiment is performed. अब experiment क्या दिया उसने perform हो रहा है. One of the two urns is chosen at random. पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों urns में से एक urn select करेंगे. तो या one select होगा या two select होगा. दोनों में से एक आप select कर रहे हैं. फिर हमने क्या करना है? Then a ball is randomly chosen from the urn. फिर हम क्या कर रहे हैं? एक बॉल चूज कर रहे हैं अर्न्स में से. देन अ सेकंड बॉल इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द सेम अर्न विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट बॉल. तो यहाँ ये ध्यान रखना है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट बॉल आ गया तो दो ही केसेस बनेंगे आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ अर्न, कि अगर मैंने B1 निकाल दी बॉल यहाँ से तो B1 जो है वो दोबारा नहीं आ सकती, यानी कि B1 के साथ B1 वाला केस हम नहीं लेंगे. B1 के साथ B2 या B1 के साथ W वाला केस लोगे. तो दोबारा देखो जो हमें गिवन क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म हो रहा है.
one of the two urns is chosen at random. Next, a ball is randomly chosen from the urn. Then a second ball is chosen at random from the same urn without replacement. उसी urn में से without replacement आपकी ball जो है वो select हो रही है. So first part क्या है? Write the sample space showing all possible outcomes. जितनी भी इसकी possible outcomes हैं, वो सारी हमने लिखनी है. तो पहले हम urn one की लिखेंगे, फिर हम urn two की लिखेंगे. अब देखो थ्री है, थ्री में से एट अ टाइम मैं टू चूज कर रही हूँ, तो दैट कैन बी डन इन सिक्स वेज. यहाँ पे भी थ्री में से एट अ टाइम मैं टू चूज कर रही हूँ, तो दैट विल ऑल्सो बी डन इन सिक्स वेज. यानी कि टोटल आपके 12 जो है आउटकम्स इसकी बनेंगी. तो टोटल 12 आउटकम्स हमने अब बनानी है. तो पहले हम अर्न वन वाली लेके चलेंगे. बी वन के साथ आपका बी टू और डब्ल्यू सिलेक्ट हो सकता है. तो बी वन के साथ बी टू मैं ये फुट में लिख देती हूँ इसके, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो. तो बी वन के साथ बी टू या बी वन के साथ डब्ल्यू. पहली बॉल फर्स्ट अर्न हमारा सिलेक्ट हो गया, उसमें से हम बॉल्स सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोबेबिलिटीज है आगे उन्होंने सिर्फ बॉल्स की पूछी है. तो वी आर नॉट राइटिंग द अर्न विद दिस, तो सिंपली हम बॉल्स लिख रहे हैं. ये मैंने ले लिया अर्न वन में से. बी वन पहली बॉल ले ली मैंने, बी वन के साथ मेरी जो सेकेंड बॉल निकलेगी दैट कैन बी बी टू और डब्ल्यू. अब बी टू मैंने फर्स्ट बॉल ले ली, बी टू के साथ बी वन जो है हमारा हो गया यहाँ पे. तो बी टू के साथ बी वन सेकेंड बॉल आ सकती है मेरी, और बी टू के साथ सेकेंड बॉल मेरी डब्ल्यू आ सकती है. अब यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान देना है कि हमने जो है बी वन बी टू और बी टू बी वन को सिंगल केस इसलिए नहीं लिया क्योंकि बॉल्स रिप्लेस नहीं हो रही हैं. बॉल पहले एक निकली वो निकाल के साइड पे रख दी, फिर हम दूसरी बॉल निकाल रहे हैं. तो बी वन बी टू एंड बी टू बी वन इस केस में जो है आपके डिफरेंट आउटकम्स बनेंगी, क्योंकि बॉल रिप्लेस नहीं हो रही है. हम सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर कर रहा है. पहला अर्न सिलेक्ट हुआ, फिर पहला बॉल सिलेक्ट हुआ, फिर सेकेंड बॉल सिलेक्ट हुआ. तो उसके बेसिस पे बी वन बी टू एंड बी टू बी वन दीज आर टू डिफरेंट इवेंट्स. अब थर्ड बॉल, पहली बॉल हमने W निकाल ली, सेकेंड बॉल कैन बी एनी वन आउट ऑफ दीज टू. ये अर्न वन वाले केसेस खत्म. अब अर्न टू वाले लेंगे. फर्स्ट बॉल ब्लैक, इसके साथ व्हाइट, ब्लैक W टू, फिर व्हाइट वन हम पहले नंबर पे ले रहे हैं, फिर W टू हम पहले नंबर पे ले रहे हैं. अगेन W2, W1 सेम वे में दीज विल बी द डिफरेंट केसेस. तो टोटल जो है हमारी आउटकम्स बन गई दैट आर 12. तो ये हमने सैंपल स्पेस लिख दिया. फर्स्ट पार्ट था ये, राइट डाउन द सैंपल स्पेस. तो सैंपल स्पेस इज कंटेनिंग 12 इवेंट्स. तो टोटल आउटकम्स हो गई हमारी 12. अब सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू ब्लैक बॉल्स आर चोजन. अब टू ब्लैक बॉल्स आर चोजन, वो ऑन वन वाला ही केस बन सकते हैं. कितने हैं यहाँ, हम सारे केसेस लिख चुके हैं. टू ब्लैक मतलब एक ये वाला केस और एक ये वाला केस, बाकी में ब्लैक एंड व्हाइट या व्हाइट एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है. तो सेकेंड पार्ट, टू ब्लैक बॉल्स आर चोजन. सो द प्रोबेबिलिटी इज 2/12, दैट इज 1/6. अब थर्ड पार्ट में कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल्स आर ऑफ ऑपोजिट कलर्स. टू बॉल्स ऑफ ऑपोजिट कलर्स आर चोजन, यानी कि टू बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. अब डिफरेंट कलर्स मीन्स एक अगर ब्लैक है तो दूसरी व्हाइट होनी चाहिए. अब उसमें अगेन आप व्हाइट और व्हाइट वाला जो केस है आपका वो लेके नहीं चल सकते हो, एक ब्लैक एक व्हाइट, या पहली ब्लैक दूसरी व्हाइट, या पहली व्हाइट दूसरी ब्लैक. तो ये केसेस हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये छोड़ देंगे, एंड 8. टू जिसमें दोनों बॉल्स ब्लैक थी एंड टू जिसमें दोनों बॉल्स व्हाइट थी, यानी कि टोटल 4 केसेस हमने छोड़ दिए 12 में से. तो फेवरेबल इवेंट्स हो गई हमारी 8/12, दैट इज 2/3, 4 से डिवाइड हो जाएगा.
So 2/3. So this was your question, जिसमें आपको पहले आर्म की सिलेक्शन करनी थी एंड देन यू वर टू सिलेक्ट द बॉल्स. If any doubt is there, you can ask. Otherwise, one more question we can do. अब देखो next question में हमें given है, if the letters of the word assassination are arranged at random, again वो चीज नहीं given है कि words हम form कर रहे हैं तो जो उनकी probabilities होती हैं वो आप नहीं लेके चलोगे, simply favorable outcomes and total outcomes हम लेके चलेंगे. So find the probability that 4 S are consecutively in the word. Assassination हमें word given है, तो सिंपली हमने सिलेक्शंस को लेके चलना है, उनका अरेंजमेंट हम नहीं कर रहे हैं. इसमें 3 A's हैं आपके पास, S 4 है, I 2 है, N 2 है, T1O1. टोटल 13 लेटर्स हैं हमारे पास, 3, 4, 2, 2 and 1, 1. तो टोटल लेटर्स हो गए हमारे पास 14. अब फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि 4S जो हैं, दे कम कंसेक्यूटिवली इन द वर्ड. 4 के 4 जो लेटर्स हैं आपके, दे कम कंसेक्यूटिवली. तो हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है. हम क्या करेंगे, जो हमारे ये लेटर्स हमें गिवन है, 4S का हम एक पैकेट बना लेंगे और बाकी जो रिमेनिंग लेटर्स हैं वो हम लेके चलेंगे. यानी कि दीज 4 लेटर्स विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल वर्ड. तो बाकी हमारे पास रह गए 3 + 4 = 7, 8, 9 एंड दिस वन विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि 10. तो फेवरेबल हो गई हमारी आउटकम्स 10. टोटल जो है कितने हैं हमारे पास लेटर्स, 13 हैं. तो दैट विल बी 13 फैक्टोरियल. आंसर बताओ मुझे इसका क्या आएगा, क्योंकि 4 लेटर्स जो हैं दे आर ट्रीटेड एज अ वन लेटर. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो रह गए 10. Ten factorial upon thirteen factorial. अच्छा एक चीज और यहाँ देखो, क्वेश्चन ध्यान से सुनना दोबारा. इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन आर अरेंज्ड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4S कम कंसेक्यूटिवली इन द वर्ड. अब कंसेक्यूटिवली इन द वर्ड, कल भी हमने एक आई थिंक ऐसा क्वेश्चन किया था. Yes, we have done yesterday also. कल हम जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हम वर्ड की फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे. उसमें हमें जो जी ओ आर गिवन था उसने क्या कहा था कल वाले क्वेश्चन में, दैट जी ओ आर मस्ट रिमेन टूगेदर एज अ यूनिट. ठीक है, वहां पे वर्ड्स की फॉर्मेशन की कोई बात नहीं की थी, बट यहाँ उसने क्या कहा है, 4S कम कंसेक्यूटिवली इन द वर्ड. 4S जो है वो हमारे कंसेक्यूटिवली आने चाहिए एक वर्ड के अंदर. सो व्हाट वी विल डू, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. हाँ जी, 10 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल वो ठीक है बिल्कुल, दिस वन इज ओके. और कुछ करना है इसके साथ हमें, क्वेश्चन में वो कह रहा है 4S कम टुगेदर, कम कंसेक्यूटिवली इन द वर्ड. टोटल लेटर्स 13,
उसमें से 4s व्हेन दे आर ट्रीटेड एज वन लेटर, तो हमारे पास 4s बन गए। अब इनको हम जो है अरेंज कर रहे हैं वर्ड्स की फॉर्मेशन के लिए, तो व्हाट वी शुड डू, हां जी समृद्धि मेघा, क्या करना चाहिए इसके लिए? गुरकीरत, ये हमने वर्ड ही फॉर्म की है 10 फैक्टोरियल से, इज देयर एनी अरेंजमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस? नो, अब तो नहीं होगी और अरेंजमेंट। क्यों? एस तो सेम ही है, तो एस को अरेंज नहीं कर पाएंगे। सेम है बट जो आपकी एस की पोजीशन है दैट कैन बी चेंज्ड, तभी वो वर्ड आपका फॉर्म हो रहा है। बस कंडीशन वो दी है कि जहां भी हम उसको मूव करेंगे वो एस हमारा सेम प्लेस पे इकट्ठे रहने चाहिए, दैट शुड बी कंसेक्यूटिव, दैट शुड बी टुगेदर। ओके जस्ट डू वन थिंग, दिस इज योर होमवर्क पार्ट, कल मुझे आप इसका रीजन बताओगे कि ये ऐसे ही लेना है या साथ में कोई और अरेंजमेंट भी करना है। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी इसके नोट कर लो। सेकेंड पार्ट है टू आईज एंड टू एंड्स कम टूगेदर, फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ ये चीज लेनी है तो क्यों लेनी है, नहीं लेनी तो क्यों नहीं लेनी, एंड ऑल एज आर नॉट कमिंग टूगेदर। Two and two eyes coming together, and third part is all is not coming together. You will be having your this as a fruit break. So I'm ending the meeting. ये complete करना, सिर्फ वो बना के रख लेना, अगर ऐसे आगे नहीं समझ आ रहा हमने क्या करना है, आगे इसको arrange करना है नहीं करना, करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, that we will discuss tomorrow. You are to complete these parts. So thank you.